गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंथ के एसएसटी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है फर्स्ट डेवलपमेंट, जिसका मीनिंग है विकास, जिसका अर्थ है विकास। डेवलपमेंट हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। आप डेली लाइफ में भी यूज करते हैं डेवलपमेंट का, जैसे कि हमारे डेवलपमेंट, हमारी इनकम कितनी हो गई, हमारी जो प्रोग्रेस है यानी मेंटल एबिलिटी, जो हमारा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो कितना है, इन सब चीज़ों के लेके या इकोनॉमी को लेके डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हमारे जीवन यानी लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होगा। उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपनी डेवलपमेंट को आवश्यकता अनुसार बढ़ाता रहे। जैसे कि डेवलपमेंट हमारा जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है मैटेरियल, दूसरा होता है नॉन मैटेरियल। अब पहले चर्चा करेंगे हम मैटेरियल के बारे में। मैटेरियल क्या होता है? मैटेरियल में देखिए, जो डेवलपमेंट हमारा मैटेरियल यानी किसी वस्तु से रिलेटेड होता है वो हमारा मैटेरियल डेवलपमेंट कहलाता है। पहला जैसे कि इनकम, इनकम में हमारा मैटेरियल रिलेटेड है। हमारी जो आय होती है वो किससे बढ़ती है? जब हम पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, तब बढ़ती है। सेकंड है लिविंग स्टैंडर्ड, अगर हमारे जीवन में रहन सहन में परिवर्तन होता है, जैसे कि हमारे क्लॉथ कपड़े अच्छे पहनने लगे, शूज अच्छे पहनने लगे, हम अपने आप को थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगे, या फिर हमारे जो घर हैं वो पहले झोपड़ी की जगह एक बढ़िया आलीशान घर बन जाए, तो ये हमारे किस में आएगा? मैटेरियल में। अब आते हैं नॉन मैटेरियल। नॉन मैटेरियल में हमारा डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी जो शरीर की बनावट है, अगर वो हमारी सही से डेवलपमेंट नहीं होती, विकास नहीं होती है, तो हम अपने आप को लोगों से अलग महसूस करते हैं। लाइक जैसे हमारी लंबाई छोटी हो गई, जो हाइट है वो हमारी छोटी है अदर लोगों के कंपैरिजन, हमारी जो मेंटल सोचने की क्षमता है वो अदर लोगों की अपेक्षा काफ़ी कम है, तो ये हमारा किस में आएगा? नॉन मटेरियल में। आज हम इसी चैप्टर पे डेवलपमेंट पे ही पूरे क्लास में चर्चा करेंगे। देखते हैं स्टूडेंट, डेवलपमेंट कई सारे लोगों के लिए अलग अलग गोल हो सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के गोल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया है, कैटेगरी ऑफ पीपल डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंटल गोल, कोई भी कितने प्रकार के लोग हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट गोल हो सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। पहला है लेबर, लेबर मजदूर। मजदूर को क्या चाहिए? मजदूर को अधिक से अधिक दिन वर्क चाहिए, उनको चाहिए कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमको काम मिले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें और अपने फैमिली की देखभाल करें। एक मजदूर को अगर हम 365 दिन में अगर हम 200 दिन वर्क करने के लिए देते हैं तो क्या होगा? 200 दिन तो उसके खर्चे चल जाएंगे, लेकिन बाकी जो आपके 165 दिन जो हैं आपके 165-166 दिन, उसका काम कहाँ से चलेगा? तो वो अगर उसकी सैलरी या उसकी वेजेस ज़्यादा होंगी तो बचत करेगा, कम होगा तो बचत नहीं कर पाएगा, पर डे बाई पर डे की मजदूरी के हिसाब से अपना खर्चा करेगा। तो इसीलिए एक लेबर को वो चाहता है कि हमको पर डे वर्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले, और हमको जो वेजेज यानी जो उसको मजदूरी मिले वो और ज़्यादा मिले, ताकि वो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर सके। दूसरा है रिक्शा राइडर, एक रिक्शा चलाने वाला, वो क्या चाहता है कि एक दिन अगर रिक्शा चलाता है, उसकी एक दिन की इनकम अगर 100 रुपये होती है, तो 100 रुपये में उसकी इनकम अपने फैमिली के लिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली में एक वो है, एक रिक्शा चालक है, एक उसकी वाइफ है, दो बच्चे हैं, अगर चार लोगों के लिए अगर 100 रुपये पर डे अर्न करता है तो उसकी फैमिली का जो खर्चा चलाना है वो नहीं हो पाएगा। तो वो क्या सोचेगा कि हम अधिक से अधिक ज़्यादा वर्क करें, रिक्शा चलाएँ, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। अब आते हैं एक फार्मर, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि किसान, जो किसान होते हैं उनको किसान वो क्या सोचते हैं कि इस साल हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हो है वो हाइयर हो, क्या हो? ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जब ज़्यादा होगी तो एक फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। कैसे? आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए एक फार्मर है,
अगर वो अपने पैसे लगाता है 10,000 रुपये, अगर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होता है 12,000 रुपये, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 रुपये का हुआ। 2,000 रुपये में उसका साल भर का खर्चा चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो वो सोचता है कि अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं अपनी खेती में, यानी अपने एग्रीकल्चर में, अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम से कम उसका दोगुना यानी 20,000 या कम से कम 15,000 रुपये हमको इनकम होनी चाहिए, ताकि अगर 5,000 मिलता है तो हम अपने घर का खर्चा 2-3 महीने तक रेगुलरली बेसिस पे चला सकें। अब आते हैं एक लड़के के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्लास में आप लोग लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं साथ में, तो एक लड़की की सोच क्या है कि हमको एक अच्छी एजुकेशन मिले, हमको एक हायर एजुकेशन मिले, ताकि हम एक अच्छा जॉब, एक रेपुटेड जॉब कर सकें और हम अधिक से अधिक पैसे कमा सकें, और हम अपने एक सोशल जो लाइफ है उसमें हम क्या करें, अपने आप की एक अलग पहचान बना सकें। कहा जाता है कि अगर एक सोशल लाइफ में अगर हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उस सामाजिक जीवन के जीने लायक नहीं है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छा जॉब नहीं है, पढ़ने के बाद आप अच्छी पढ़ाई आपकी अच्छी हो गई, आपने बहुत अच्छा हायर एजुकेशन पा लिया, लेकिन आप अपने माइंड का डेवलपमेंट नहीं कर सके, अपने फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कर सके, और आप अपनी जो एबिलिटी है उस पर डेवलपमेंट ना करके आप एक अच्छी जॉब नहीं पा सके, तो ये आपके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक लड़के के लिए डेवलपमेंट क्या है? बेटर एजुकेशन, उसको अच्छी शिक्षा मिले और गेट बेटर जॉब, एक अच्छा नौकरी पा सके, यही एक बॉय के लिए उसका डेवलपमेंटल गोल है। अब आते हैं एक लड़की के बारे में। एक लड़की, अगर उसकी डेवलपमेंट क्या है, वो चाहती है कि हमें लड़कों के जैसा इक्वलिटी मिले, यानी जो लड़के हैं उनके जैसे हमको समान अधिकार मिले, हमको उनके जैसे समान शिक्षा मिले, ताकि हम भी अगर समाज में चले या सोशल लाइफ में हम चले तो हम उनसे कदम मिला के चले। अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास क्या होता है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय, नेशनल, नेशनल का अर्थ होता है कि किसी एक पूरे राष्ट्र को या किसी देश को लेके हम जो डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक राष्ट्र का विकास कैसे होता है, वो कहाँ पे जाके उसका अधिक विकास होगा, कैसे उसका कम विकास होता है, कैसे कोई कंट्री डेवलप्ड होती है, कैसे कोई कंट्री डेवलपिंग होती है, यानी कई सारे देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जो विकसित देश कहलाते हैं, डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग यानी विकासशील देश कहलाते हैं। डेवलप्ड में हमारे USA, फ्रांस, जर्मनी आ जाएंगे, डेवलपिंग में हमारे आ जाएंगे इंडिया, डेवलपिंग कंट्री है। तो अब देखेंगे कैसे डेवलपमेंट, जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो दो तरह का होता है, पहला होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी आर्थिक आधार पे किसी देश का जो विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किस आधार पे? एक इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी के आधार पे किसी देश का जो विकास होता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नॉन इकोनॉमिक पे क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक में हम जो देश, जो कंट्री नॉन इकोनॉमिक टर्म में अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसमें पहला क्या आता है नॉन इकोनॉमिक में? हेल्थ आता है, जैसे रोडवेज आता है, ट्रांसपोर्ट आते हैं। अब इकोनॉमिक में क्या आता है? हमारा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड आते हैं। जैसे कि देखेंगे नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब है कि किसी देश में कितने कितनी इनकम हुई है और कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं। टोटल जब हम करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर को जब लेस करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी, पैसे आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। लाइक NI इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया। इस तरह से अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स का नहीं हो सकता है। हम अपने जो मनी कितना हमने, जैसे यहां के लोग विदेश में जाके पैसे कमाए,
उन्होंने वहां से जो पैसे भेजे वो पैसे किस फॉर्म में भेजते हैं? फॉरेन करेंसी के रूप में। किस रूप में? फॉरेन, फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन करेंसी होती है हमारा, ये इस रूप में भेजते हैं। हम ये लोग सोचते हैं कि जैसे कि जो फॉरेन करेंसी होती है, देखिए नेशनल इनकम टोटल इनकम अर्न बाय पीपल, एक कंट्री में जो टोटल पीपल है वो कितने पैसे अर्न करते हैं, एक कंट्री कितना पैसे अर्न करती है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, वो कितने पैसे खर्च करती है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। जब इन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या कहलाती है? जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय में, जब हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति आय में अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती, इनकम बढ़ जाती, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो देश की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन वो भी विकास करेगी। लाइक जैसे मान लीजिए प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम क्या होती है, आइए देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ कंट्री या कह लीजिए नेशनल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है उससे टोटल पॉपुलेशन से हम जब डिवाइड करते हैं तो जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारा पर कैपिटा इनकम होती है। लाइक मान लीजिए किसी देश की इनकम है 2 लाख, 2 लाख तो होगी नहीं किसी देश की, लेकिन फिर भी हम यहां पे एक सपोज करते हैं 2 लाख रुपए, और उस देश की जो जनसंख्या है 2000 है, टोटल पीपल कितने हैं 2000। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 100 रुपीज, ये हमारा क्या हो जाएगा पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है 100 रुपए, उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई 100 रुपए हो गई। तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका है, और पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये भी आपको हम बता दिए। अब चलते हैं नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अब नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि किसी देश की जो आर्थिक विकास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में जब आते हैं तो हेल्थ आता है। नॉन इकोनॉमिक में हमारा हेल्थ, जैसे कि अगर किसी देश के अगर जो पॉपुलेशन है वहां के जो लोग हैं उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करेंगे, उससे क्या होगा कि जो देश की जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। जब इनकम लोगों की बढ़ेगी तो देश की भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। वैसे ही रोड, रोड जो रोड होते हैं किसी कंट्री को काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लाइक मान लीजिए किसी देश में अच्छे रोड ना हो, उनकी सुविधाएं रोड अच्छे ना बने हो, तो कहीं हमको जाने में समय अगर 3 घंटा लगता है वहां 6 घंटे लगेंगे। अगर वही रोड हमारी अच्छी हो जहां 6 घंटे जाने में समय लगते हैं वहां शायद 3 घंटे लग जाए, आधी कम से कम अगर 1 घंटे का सफर हम कितने मिनट में तय कर देंगे, अगर रोड अच्छा हो तो 30 मिनट में तय कर लेंगे। अगर वही रोड खराब हो तो हमारे जो मतलब फ्यूल है उसके खर्चे लगेंगे और हमारी टाइम कंज्यूमिंग होगी। बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं ये हमारे रिलेटेड होते हैं इससे। स्टूडेंट आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप जो हमारे YouTube चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट अपना करके बता सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद।